हरे कृष्णा श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 5 श्लोक नंबर 37। ओम नमो भागवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। आइए हम सब वासुदेव तथा उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। तो ये सारी बात जो है नारद मुनि कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति किस प्रकार करना चाहिए और भगवान की तुष्टि के लिए ही हमें कार्य करना चाहिए और इसी को दिव्य भक्ति कहते हैं। ये हमने परवर्ती जो श्लोक था उसमें अच्छे से समझा। तो अब इस श्लोक में कह रहे हैं कि हमें भगवान के और उनके जो भी अंश हैं, उनके जो भी वैसे भगवान के बहुत सारे विस्तार है जो विष्णु तत्व ही है, तो सबकी महिमा का कीर्तन करने के लिए नारद मुनि कह रहे हैं। तो पंचरात्र के अनुसार नारायण ईश्वर के समस्त विस्तारों के आदि कारण हैं। ये विस्तार है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। कृष्ण से विस्तार होता है सबसे पहले बलराम का, फिर बलराम से आगे बाकी विस्तार होता है। नारायण का भी विस्तार बाद में होता है और फिर नारायण के विस्तार वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। तो वासुदेव तथा संकर्षण बाएं दाएं आसीन हैं, प्रद्युम्न संकर्षण के दाएं हैं और अनिरुद्ध वासुदेव की बाईं ओर आसीन हैं। इस प्रकार से ये चारों विग्रह आसीन रहते हैं और ये चारों को भगवान श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह के रूप में जाने जाते हैं। तो ये भगवान आगे कैसे विस्तार करते हैं अपना, उस बारे में है। तो ये एक वैदिक मंत्र है जो ओमकार प्रणव से प्रारंभ होता है। इस प्रकार इस मंत्र को ओम नमो धीमहि के रूप में दिव्य उच्चारण या कीर्तन के द्वारा स्थापित किया जाता है। जैसे हमने ये श्लोक पढ़ा, ओम से शुरू हुआ है। तो तात्पर्य यह है कि कोई भी आदान प्रदान, चाहे वो सकाम कर्म क्षेत्र में हो या ज्ञान के क्षेत्र में हो या जो भी हो, अगर उसका लक्ष्य भगवान की भक्ति या भगवान की प्रेम प्राप्त करना नहीं है तो फिर व्यर्थ माना जाता है। फिर ऐसे लक्ष्य का कोई लाभ नहीं होता है क्योंकि वो भगवान को समर्पित लक्ष्य नहीं है। इसलिए नारद ने अपने अनुभव के आधार पर अनन्य भक्तिमय सेवा की प्रकृति की व्याख्या किया और हमें नारद मुनि के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए हमें भक्ति को संपन्न करना चाहिए। भगवान के लिए दिव्य भक्ति की जो प्रगति है वो अंत कब होता है? कृष्ण की प्रेममय सेवा में होता है, जिसे प्रेमा कहते हैं, और जो अपनी दिव्य विविधताओं में रस कहलाती है। यानी भगवान की सेवा में हमें मधुर रस की प्राप्ति होने लग जाती है। तो ऐसी जो भक्ति होती है वो मिश्रित रूप में भी संपन्न होती है। जैसे बहुत सारे भक्त मिश्रित भक्त भी होते हैं, कृष्ण की भी भक्ति करते हैं और बाकी बहुत सारे फिलोसोफियों से भी तो थोड़ा बहुत प्रभावित रहते हैं, लेकिन जो एक शुद्ध भक्त होते हैं वो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित जो ज्ञान है उसी का समर्पण करता है, उसी को समर्पण करता है। तो ये जो शौनक आदि ऋषिया जो है नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवतम श्रवण करने हेतु बैठे हैं सुद गोस्वामी से, और उन लोगों ने जो प्रश्न उठाया, शौनक आदि ऋषियों ने उठाया था, जिसका संबंध गुरु के माध्यम से सुद की उपलब्धि के गुह्य अंश से था, उसकी व्याख्या श्लोक में की गई है और वो है
ये 33 अक्षरों वाले ये जो मंत्र है, और ये है मंत्र। इस उपदेश का गुह्यतम अंश यह है कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान के विभिन्न अंश जैसे कि वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध समेत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की महिमा का निरंतर कीर्तन करे, स्मरण करे। हमें भगवान का हमेशा ही कीर्तन में मन को लगाना चाहिए, ये इस बात का उद्देश्य है। तो श्लोक नंबर 38 में क्या कहते हैं, इति मूर्त्याभिधानेन मन्त्रमूर्तिममूर्तिकम् यजति यज्ञपुरुषम् स सम्यक् दर्शनः पुमान्। इस वास्तविक दृष्टा, इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्रमूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता है। तो भगवान कृष्ण का बहुत लोग बोलते हैं रूप नहीं है, उनका आध्यात्मिक रूप है, भौतिक रूप नहीं है। इसलिए जो शास्त्र में अगर कहीं बोला है कि भगवान निराकार है तो, या भगवान निर्गुण है या ऐसा, तो भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं है, या भगवान के जो शरीर का ज्योति है उसको निराकार ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। तो इन बातों को स्पष्ट नहीं होने के कारण बहुत लोग जो है भगवान की विग्रह की पूजा नहीं करते हैं। लेकिन जो विग्रह की पूजा नहीं करते हैं उनको यम का दंड मिलता है, यमराज का दंड मिलता है, क्योंकि जो भगवान के विग्रह को पत्थर समझते हैं तो उनको नरक जाना होता है निश्चित रूप से। तो इसलिए जो ये श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है, ये कृष्णा, जब तक कृष्ण थे तब तक भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति के कारण हर जगह जो है पवित्रता का वातावरण था। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने लीला समाप्त किया और अपने धाम गोलक वापस गए, तो उस समय भगवान ने हमें ऐसे ही नहीं छोड़ा, हमें भागवतम प्रदान किया। तो इसलिए भागवतम में कहा भी गया है, कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलो दृष्टा, कलो दृष्टा कलो नष्ट दृशामेशा। कलयुग के जो अज्ञानता के कारण दृष्टि जिसका धुंधली पड़ गई है, या जो अपना दृष्टि खो चुके हैं, तो क्या करना है उनको, पुराणो कोधिनो उदितो तथा, लाइक दैट यू नो, लाइक हमें भगवान ने भागवतम दे के गए। ऐसा नहीं कि भगवान जब लीला खत्म करके चले गए तो ऐसा नहीं कि भगवान ने हमें ऐसे ही छोड़ कर गए, हमें श्रीमद् भागवतम दे कर गए। और श्रीमद् भागवतम ऐसे ही उदित हुआ है उदिनो तथा, जैसे सूरज उगता है और सूरज उगते ही समस्त अंधकार दूर हो जाता है। तो अगर हम श्रीमद् भागवतम का शरण ग्रहण करते हैं तो तुरंत समस्त अंधकार हमारे जीवन से दूर हो जाता है, अज्ञानता का जो अंधकार है। तो इसलिए हमें भगवान की पूजा करना चाहिए, भगवान हमारे जो हम भगवान को ऐसे अनुभव नहीं कर सकते कि हम भौतिक इंद्रियों से भगवान को अनुभव कर सकेंगे, तो इसलिए हमें भगवान को भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, साधु शास्त्र के हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमारे हर प्रकार से मदद करते हैं, परमात्मा रूप में अंदर से वो गाइड करते हैं, और गुरु के रूप में या साधुओं के रूप में जो भक्तगण हैं बाकी, और वेद उपनिषद पुराण आदि के रूप में हमें बाहर से गाइड करते रहते हैं भगवान। तो आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अमूर्तिकम का अर्थ किसी कठिनाई के बिना लगाया है, शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के दिव्य स्वरूप का अनुभव हमारी मूल आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा ही हो सकता है। तो आध्यात्मिक इंद्रियां हैं इसके लिए, ऐसा नहीं, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा हम निराकार है क्या, मतलब आत्मा जो है, और आत्मा जब शरीर छोड़ता है तो आत्मा का कोई अपना इंद्रिय नहीं होता है, ऐसे सोचते हैं। लेकिन आत्मा का आध्यात्मिक इंद्रिय होता है,
और हम हमारा ये मूल आध्यात्मिक इंद्रियों के द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं। अगर हम सोचें कि हमारा जो भौतिक स्थूल शरीर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो इससे हम समझ पाए भगवान को, ये संभव नहीं है। और हमें जो ये शास्त्र का जो ये पवित्र मंत्रों का दिव्य उच्चारण है, ये ध्वनि है, ये हमें प्रामाणिक गुरु से प्राप्त करना होता है। और गुरु के निर्देशन में हमें उच्चारण का जो है अभ्यास करना चाहिए। यह हमें धीरे धीरे ईश्वर के बहुत निकट ले जाएगा। पूजा की यह विधि पांचरात्रिक विधि में संस्तुत है, जो मान्य एवं प्रामाणिक विधि है। तो पांचरात्रिक विधि में दिव्य भक्तिमय सेवा के लिए सर्वाधिक संकेत मिलता है। और हमें पांचरात्रिक विधि के अनुसार जो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। एक्चुअली हर कार्य हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, और उसके लिए हमें जो विधि विधान प्रामाणिक गुरु प्रदान करते हैं, उसका पालन करना चाहिए। और इन विधि विधानों को पालन करते, जैसे अर्जुन को कृष्ण ने कहा कि ठीक है, अगर आप मुझे ऐसे प्रेम नहीं कर सकते हो, तो आप ऐसा करो, भक्ति योग की विधि विधान पालन करो। क्योंकि भक्ति योग की विधि विधान पालन करने से क्या होगा, कृष्ण के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगा, प्रेम उत्पन्न होगा। तो इसलिए बहुत सहायक है, सारे विधि विधान को हमें सिंसियरली पालन करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।